मैं एक लकड़ी हमेशा यहाँ पर रखता हूँ, ये देखिए टच करा दे, या आप लोग भी किया कीजिए, क्योंकि नजरों का क्या है वो बहुत आसानी से लगती है। बिल्कुल बिल्कुल नजरें। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। आज के हमारे दिन की शुरुआत हो गई है, ऑलमोस्ट डन, आई एम रेडी टू गो, और थोड़ी ही देर में हम लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे। इनको पानी दे दो, प्यास लगी है तो वहाँ फ्री दे दो। So guys, let's move. We are going. सारा कुछ सामान रख लिया गया है जो भी आज रखना था। आज हम जल्दी निकल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आज हम ठीक टाइम पे स्टोर ओपन करेंगे। चले है? खोखला बहन वाले डॉक्टर ने देख मेरे पैर ठीक नहीं कर पाए, देख लो। हाँ। और देख मैंने बिल्कुल साफ कर लिया, कहीं भी है एकदम नहीं। ये तो पत्थर का है, ये भी लाल हो रहा ये है। ये देखो गाइस, इनके पैर पूरे ब्लैक हो गए थे और डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन वो लोग ठीक नहीं कर पाए। उन्होंने बोला पता नहीं क्या चीज है। सो हम लोगों ने बाबा रामदेव के उपाय अपनाए और इनका पैर एकदम ठीक हो गया। देखो फाइनली हमने हो गया बेटा, हेलो करते करते लेट हो रहे हैं। वेरी वेरी ब्राइट एंड गुड लुकिंग। बाय अहान, ऐसे अच्छे रहे। बाय, सी यू सून। चलो ओके, चलो ओके, बाय। कोई नहीं, हम जाएंगे और कौन जाएगा, हम ही जा रहे हैं और कौन जाता है। चलो ओके, बाय आहा। चलो ध्यान रखना, हम लोग निकल चुके हैं अपने स्टोर के सफर पे और साथ साथ अपने ब्लॉगिंग के सफर पे भी, और दोनों की मंजिल पाना बहुत जरूरी है डेफिनेटली। काफी स्टोर में तो हम लोगों ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है और वी आर डूइंग वेरी फाइन एंड होप सो ब्लॉगिंग में भी आप सब लोगों का साथ रहेगा तो काफी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आप अपना सहयोग बनाए रखें और आप ही के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। नहीं पता तो हम बता देंगे। हम बहुत बेकार चीज है, लत लग गई ना हमारी, एक बार छूटे ना जाएगी भाई, लोग कहेंगे ये पंजाब सरदारनी है, कोई भी भाषा बोल लेती है ना। लोग कहेंगे कि मैं सरदारनी हूँ लेकिन सारी भाषाएं कैसे बोल लेती हूँ, क्योंकि मैं सरदारनी होने से पहले एक भारतीय हूँ, तो मुझे सारी भाषाएं आनी चाहिए। मुझे बंगाली भी लिटिल से आती है। हम जाट हैं, गुजरात हैं। हम पहले एक्चुअली दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली में तो ज्यादातर एरिया जो है जाटों के घिरे हुए हैं और पूरा एरिया, एक्चुअली वो एरिया ही पूरा जाटों का है ना, हरियाणा दिल्ली सब, मतलब जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो तो हिंदी। लेकिन जो भी है जाट सारे एक नंबर होते है, नहीं उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका खुला दिल, बड़ा हार्ट। लाइक आप कभी मिले किसी जाट से तो देखिए उनका नेचर कितना अच्छा होता है, और आपको घी और मक्खन ना ऐसे परोस परोस के देंगे आज के जमाने में, जैसे आपको लगेगा कि भैया क्या हो गया, इतना तो सगा नहीं करता, बट उनका दिल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये इसलिए नहीं कि मक्खन लगा रहे हैं, ये इतनी बड़ी गाड़ी टर्न हो रही है तो वी हैव टू गिव सम स्टॉप, वी हैव टू स्लो डाउन द स्पीड। भारत बेंज बोलेंगे तो व्हाट, अभी This is a part of, I think, Mercedes-Benz. अच्छा, मुझे भी बैंड से लगा था, बट आई थॉट कि भारत बैंड्स। अभी थोड़ा और आगे से हम जाएंगे तो उसी गुफा से गुजरेंगे जिससे रोज गुजरते हैं, और ये जो टनल है पेड़ों से घिरी हुई टनल, वी रियली लव दैट सी, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग इस एरिया में रहते हैं। सो टचवुड। मैं एक लकड़ी हमेशा यहाँ पर रखता हूँ, ये देखिए टचवुड, या आप लोग भी किया कीजिए। हाँ। क्योंकि नजरों का क्या है वो बहुत आसानी से लगती है। बिल्कुल बिल्कुल नजरें, एक्चुअली क्या पुराने वक्त में तो कहावत भी है कि जो नजरें होती हैं वो तो चट्टान को और पहाड़ को भी तोड़ देती हैं, तो इंसान तो क्या चीज है,
और शायद जो लोग इस फ्रेज से गुजरे होंगे, जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, दे कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो कभी भी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल चीज़ें हों या फिर हमारी डेली लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ें हों। सो गाइस, देखिए अभी हम लोग अपने मंदिर के सामने से गुजरेंगे जहाँ से डेली गुजरते हैं। इट्स अ विलेज टेम्पल, सी कैन सी द प्रॉपर टनल इज देयर। पेड़ ही पेड़ है, लेफ्ट राइट, एंड इट सीम्स लाइक वी आर पासिंग थ्रू अ टनल, बट दिस इज अ टनल बाय द नेचर। यस, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे रहना। वी आर नॉट यू नो, हम लोग ऐसी जगहों के लिए बने ही नहीं है जहां पर प्रकृति ना हो। और एक्चुअली क्या होता है ना, इंसान जो चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश होती है ना, वो उसको नेचर दे ही देता है किसी ना किसी रूप में। हाँ, सही कह रहे हैं। जो लोगों की ख्वाहिश होती है, लोगों की ख्वाहिश ख्वाहिश उनको मिली जाती है। ओए, मेरा बैग गिरते गिरते बच्चा है ना, बिना मिल जाती है ना। बिल्कुल, हाँ, हमने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे भैया, इतना सीधा साधा आदमी मिल गया। नहीं तो भैया बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, अपना जीना हराम करके रखते। ही इज वेरी गुड, डिसेंट इंसान है, सीधा साधा, भोला भाला। लेकिन ये तो भाई गुस्सा होता है तो फिर नहीं सुनता कैसे की। तो लेकिन ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं, हर बंदे को, हर इंसान को यही लगता होगा जो उसके साथ है वही अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंसान को ना रियलिटी पता होती है, पता है। अब एक मैं तुम्हें एक रियलिटी बताती हूँ। एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है। अब लड़की जिस लड़के के साथ रहती है उसको अच्छा लगता है, इसलिए तो उसके साथ रहती है वो। हाँ, समझ रहे हो। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ। जब थोड़े दिन, थोड़े महीने, थोड़े साल, कुछ साल, एक सदी, सदी होगी ना, 10 साल की एक सदी होती है ना, तो जब वो बीतती है, दशक, 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 हाँ, सॉरी, पहले दशक होता है फिर सदी आती है। हाँ, तो दशक, तो जब हमने दो दशक एक साथ निकाले हैं और फिर स्टिल इफ आई एम सेइंग ही इज गुड, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं लोगों को एनालाइज करती हूँ, पहले एनालाइज करती हूँ फिर उनसे बात करती हूँ। सो तो मैंने अभिनव को पहले एनालाइज किया व्हेन आई मेट हिम, उसके बाद हमने आपस में एक साथ कंटिन्यू किया, एंड वो भी 10 साल बाद हमने शादी की। 10 साल कोई रिलेशन को कंटिन्यू करना, इट्स नॉट अ खाने का काम। तो और फिर उसके 10 साल बाद भी अभी तक 10 साल शादी में टिके हुए हैं। एंड गाइस, गाइस टिके रहेंगे। एंड गाइस, एनालाइज हम लोगों ने कितनी देर किया, मुश्किल से 10 मिनट आई थिंक। हाँ, तो उतनी पावर जी, पावर के लिए तुम्हें घंटों घंटों एक एक दो आफ्टर आफ्टर मीटिंग विद इन 10 मिनट वी डिसाइडेड। 10 मिनट भी नहीं लगे, आई थिंक 5 मिनट, क्योंकि मेरी आदत है, मैंने एनालाइज किया, आई फाउंड हिम गुड, कुछ तो अच्छा लगा होगा जिस वजह से आज हम साथ हैं। हमने झगड़े बेइंतहा किए, नो डाउट, पूरा ब्रह्मांड साक्षी है ना बराफ। तो इसके लिए ये चीजें बहुत डीप होती है, दैट्स व्हाई आई कैन से ही इज गुड। 20 साल बाद भी कोई कहे कि आप अच्छे हैं, बहुत बड़ी बात होती है, अवार्ड अवार्ड मिलने वाली बात होती है। कहीं से भी भगवान जब तुम्हारा टेस्ट करते हैं ना, तब वो कहीं से भी टेस्ट कर लेता है। ऐसे हरकत है, तुम्हें जानबूझ के ऐसा लालच दे देगा, देखेगा कि तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। तो इसलिए भगवान का, जब जिस दिन तुम्हारे अंदर भगवान का डर आ गया ना, उस दिन तुम चाह के कोई गलत काम नहीं करोगे, अगर पूरी दुनिया के अंदर भगवान का वो डर आ गया। लेकिन इंसान को बहुत अच्छी तरह पता हो, जो मतलब एक्चुअली हर एक को पता होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर हमें हमारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है कि हमने किस किस पॉइंट पे क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, तो मुझे लगता है ऐसी कभी नौबत ही ना आए। इंसान जो होता है ना, अगर उसको इतना पता हो तो उसे इंसान ना कहा जाए, उसको भगवान ही कह दे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, कब तुम्हारे अंदर लालच पनपेगा, किसी को नहीं पता इस दुनिया में। तो इसके लिए भगवान भी कहते हैं जब तुम्हारे अंदर एक डर हो। एक सिंपल सी चीज है ना, जो चीज हमारी नहीं है हमें वो रखनी नहीं चाहिए। भैया तुम माफ कर, एक काम कर, चुप कर, तुम्हें किस चीज का धुआं है। देखिए जनता, हमारे भारत की जनता, ये एरो सा लग रहा है, लग रहा है एरो लग रहा है। दोस्तों,
कई बार तो लगता है, पता है, मतलब वी आर सो प्रिविलेज, मतलब नॉट अस, मतलब वो सारे लोग जिन लोगों को भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, तो हमेशा बी थैंकफुल फॉर द गॉड कि भाई आप लोगों को भगवान ने इस काबिल बनाया, काफी कुछ बख्शा है। और ये आप तब एनालाइज कर सकते हैं जब आप अपने से नीचे के लोगों को देखते हैं, लोग किस तरह से सड़कों पे स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह से बस की लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, और किस तरह से गर्मी में बाहर तपती दोपहरी में काम करते हैं, तो देन यू गेट टू रियलाइज कि यस यू आर सो प्रिविलेज, यू आर सो यू नो फॉर्चुनेट कि आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत कुछ बख्शा है। तो हमेशा जो भी आपको लाइफ में मिला उसके लिए थैंकफुल रहें, सो इन चीजों का भी एहसास करें। लाइफ बड़ी फास्ट है, सड़कों पे मुझे लगता नहीं कि इतना लोगों को सोचने का मौका मिलता होगा, क्योंकि उनकी एक ही कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी भीड़ में से निकले, ट्रैफिक में से निकले, दैट्स इट। बट हमेशा सोचने का प्रोसेस जरूर चालू रखें। आज हम ऑन टाइम है, और ये देखिए आज पहले के मुकाबले ट्रैफिक भी काफी कम है, अदरवाइज इस टाइम तो यहाँ पर पूरी लाइन लगी होती है। सो गाइस वी आर रीचिंग इन सम टाइम, ऑलमोस्ट रीच्ड, एटलीस्ट अपनी पार्किंग तो रिजर्व कर ली है हम लोगों ने। सी सो गाइस दीज आर द कैरी बैग्स, आपको अपना ध्यान भी रखना है, तो पहले इनको नीचे रख देते हैं। कहीं से कितने तो ऊपर आएंगे, वापस ऊपर लेके आएंगे। हाँ ये तो नीचे रख देते, ऊपर ही रख देते हैं ना। हाँ मैं अपना बैग वगैरह रख देता हूँ, यहाँ तो इतना अंधेरा है। सो गाइस आई थिंक कुछ काम है ऊपर, सो लेट्स सी, जैसिका कह रही है कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे, नीचे बैठ के काम करेंगे। सो लेट मी सी क्या काम बाकी है, क्या करना है, बहुत कुछ करना है भाई। तो अभी क्या है, अभी तो लगा दिया ना, अभी पूरा ये सेटअप कर दिया ना ये वाला। हाँ तो ये हो गया ना सेक्शन, ये पूरा ये वाला मैंने पूरा सेक्शन कर दिया है, अभी साफ सुथरा हो गया, ऊपर का भी पूरा कर दिया। तो मैं कह रही हूँ कि मतलब इधर ना उस तरफ हमारे कुछ ग्रेवीज रखे हुए हैं, पाउचेस। अब क्यों चुप कर आया बता सी, टांग अड़ाने के लिए है ना। चलो ठीक है करते हैं, इसको बंद करो, पहले काम करते हैं फिर इनसे मिलते हैं। काम कर रहे हैं, मैंने तो होल्ड ही किया हुआ है। सो देखिए गाइस गाड़ी हमारी अपनी जगह पे लग गई है, आज पार्किंग का कोई इशू नहीं। जो फूड सेक्शन का है एक साइड कर दो, थोड़ा उसको धक्के मारेंगे ना तो फूड एक लाइन में आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग जो वेट लाइन है वो पूरी यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, हाँ ना, कौन घुसेगा यार वहाँ पे। चल ठीक है, वो कॉर्नर वाले में तो कोई नहीं जा पाता है, मैं भी नहीं जा पाता उधर। तो चलो ठीक है करते, लेट्स सी, ये यहाँ से ये सब हटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, कितना भी है। सो गाइस अभी हमारे स्टोर का पूरा काम हो चुका है, ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है हम लोगों ने, ये देखिए। ज्यादातर काम तो जैसिका ने किया है, सो अभिनव ने भी किया, देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, और सब बहुत अच्छा, सब वेल ऑर्गेनाइज दिख रहा है। सी इज द फुल व्यू, ये देखिए, हम लोग ये छोटे छोटे चेंजेस करते रहते हैं ताकि स्टोर लुक ऑलवेज रिफ्रेश्ड। सो गाइस सारा काम अभी हो गया है, और अभी काफी भूख भी लग गई है, तो चलिए जरा खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर का वर्क स्टार्ट करेंगे। सो गाइस आज का दिन काफी बिजी रहा, और काफी सारे लोग आज आए, हम लोगों ने मीटिंग्स की। सो गाइस अभी वापस जाने का वक्त हो गया है, सो लेट्स मूव, थोड़ा देखें क्या क्या काम पेंडिंग है ऊपर, इफ एवरीथिंग इज ओके अपस्टेयर। सो ये देखिए आज हम लोगों ने पूरा स्टोर रीऑर्गेनाइज किया है,
ये देखिए, सो एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड नाउ। सो गाइज, अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, और दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज व्लॉग। सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसके साथ साथ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोज सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।